खींचने के पीछे की आखिर। अरे जो बिहार में खत्म किया हुआ ना मंडी सिस्टम, MSP, आज कितने में बिकती है वो गेहूं, जहां वहां पे फसल MSP पे बिकती है कहीं? बिहारी मैं तो हैरान हूँ, पंजाब में आके काम करते हैं वो, उनको नहीं पता भी 1888 यहाँ पे क्यों बिकती है, तो बिहार में क्यों कम बिकती है, क्यों नहीं खड़ा होता वहाँ पे? 2006 में मंडियाँ तोड़ दी वहाँ से, तो अगर बिहारी को पूरी MSP मिले, खरीद का रेट मिले, तो वो पंजाब में हरियाणा में क्यों आए भाई? उसी वही ज़मीन वही फसल और रेट उसको 1100 रुपया क्विंटल, और पंजाब और हरियाणा में 1888 रुपये। जागना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। ये छोड़ो, हम तो संघर्ष अपना कर रहे हैं, लेकिन बिहार वाले कब शुरू करेंगे संघर्ष? उनको नहीं पता लगेगा BJP क्या कर रही है यहाँ पे, नीतीश कुमार क्या कर रहा है। नीति आप खेती निर्भर सूबा है ना, तो आपको MSP क्यों नहीं मिल रही है मुझे बताइए? अगर अमानी अडानी खरीद करता है तो वो 1800 से ऊपर करे ना, 2000 क्विंटल गेहूँ का रेट दे, 2500 आपको चावल का रेट दे। क्यों अब 1000-1200 रेट मिलता है आपको? हमें तो 1800, हम तो लड़ रहे हैं, हमें 1888, उससे कम अगर करोगे तो दिल्ली को घेर लेंगे। अरे बिहारी तो इतना इंटेलिजेंट, IAS सबसे ज़्यादा, आपके सब नौकरी बड़ी से बड़ी आपके पास, क्यों आप वहाँ पे इनकी मार खा रहे हो? मेरे को समझ से बाहर है, बिहारी तो इतना कमज़ोर नहीं है, क्यों नहीं अपना एक इकट्ठे होके, जैसे ये किसी पार्टी के साथ नहीं आए, ये लोगों ने अपना मजदूर किसान खुद का एजिटेशन है वो बनाए बिहार वाले, अगर नहीं और कुचल देंगे, नहीं आने वाले दिनों में ये बिल है जो और ख़त्म कर देगा आपको, आपकी ज़मीनें भी छीन लेगा। बहुत धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? गुरजीत सिंह औजला, मेंबर पार्लियामेंट अमृतसर से। अच्छा सर, पूरा मामला ये क्या चल रहा है? जंतर मंतर में हम धरना दे रहे हैं ताकि सरकार जो है वो पार्लियामेंट सेशन, जो विंटर का सर्द ऋतु का सेशन होता है, वो बुलाए और देश को बताए प्रधानमंत्री जी, ये देश का किसान जो है, जिसके लिए आपने पिछले सेशन में बिल पास किए थे, वो तो इतना परेशान है। आप कहते थे बहुत फायदे के लिए, हमने उसकी विरोधता की, कांग्रेस पार्टी के MP को सस्पेंड कर दिया गया जो राज्यसभा में थे, और अपनी मर्जी के साथ वॉइस वोट से बिल पास कर दिया गया। अब लेकिन किसान जथेबंदियाँ जो पुराना समय से काम कर रही है किसानी के ऊपर, वो सब से अब बात सरकार तो कर रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब वो मांग रहे हैं कि सारे कानून वापस लिए जाएं। अब जो मोदी सरकार किसी की सुनती नहीं थी, हमें ये तो अच्छा लगा है कि कम से कम किसान इतना ताकतवर तो है ना कि मोदी सरकार को सुनना पड़ा है उसको, नहीं तो किसी की भी बात नहीं जो सुनते। सो बिहार में जैसे PMC एक्ट 2006 का ख़त्म हुआ है, वो अब सारे देश में ख़त्म करने जा रहे हैं। अब बिहार का धान पंजाब में बिक रहा है, UP में बिक रहा है, और बिहार की अभी तक हालत ठीक नहीं हुई, तो बाकी देश की कैसे हो सकती है? सो हम जंतर मंतर पे मेंबर पार्लियामेंट हैं, हम मेरे साथ रमनीत बिट्टू जी हैं, जसबीर गिल जी हैं, हमारे विधायक अब आ रहे हैं सपोर्ट में, हम तीनों दिन रात यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हैं कि आप सर्द ऋतु का सेशन बुलाओ, नहीं तो हम जितनी देर किसान का मसला हल नहीं होता हम भी यहाँ बैठे रहेंगे। सर ये तीन नए जो कृषि कानून हैं, इसमें सरकार कह रही है कि हम संशोधन करने को तैयार है, लेकिन भाई समय होता है ना, पहले किसान संशोधन ही मांगते थे, लेकिन इन्होंने बात ही नहीं मानी, वो तो संघर्ष कर रहे थे पंजाब में आराम से, संशोधन ही मांग रहे थे, लेकिन अब जब सारे लोग जुड़ गए हैं, हरियाणा के जुड़ गए हैं, फिर यूपी के जुड़ गए हैं, राजस्थान के, कर्नाटका के किसान आ रहे हैं, MP के किसान आ रहे हैं, बिहार के किसान समर्थन दे रहे हैं, तो अब तो सबका मामला बन गया ना, अब सब ये सोच रहे हैं कि इसको वापस होना चाहिए, क्योंकि APMC एक्ट जो यूपी बिहार में नहीं है तो उनको तो पता है कि वहाँ क्या हालत हुई है, वो बोले इसको वापस लो, उनको पता है APMC एक्ट को वापस होना चाहिए, इसलिए वो सभी संशोधन को जो कानून लेके आए हैं उनको वापस करवाने के लिए सबकी डिमांड है। अच्छा तो सर ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि 2-3 दिन में फिर से केंद्र सरकार? हाँ कल है उम्मीद, कल इनकी मीटिंग है, हम तो उम्मीद करेंगे, हम तो बेस्ट विशेज है हमारी कि ये जल्दी हल हो, क्योंकि हम किसान के साथ हैं जो बाहर बैठा हुआ है, जो 3 महीने से सड़क के ऊपर बैठा हुआ है तंबू लगाकर, हम उसके साथ हैं, उसके समर्थन में हैं, तो हम तो उसके लिए भला मांगेंगे, तो सरकार जल्दी से जल्दी कल मसले का हल करे। जथेबंदी जैसे चाहती हैं, कानून पीछे लेके जाना है, वापस लेना है, संशोधन करना है, ये इनका इंटरनल मामला है जथेबंदी का और सरकार का, और उसके ऊपर ये दोनों ही काम करके इसको ख़त्म करें। आपकी नज़रों में इन तीन नए कानून में मुख्य रूप से वो मुख्य क्या क्या प्रारूप है जो किसानों के हित का? तीनों ही गलत है, कोई फायदे में नहीं है। जैसे एग्रीमेंट करना है प्राइस, क्या आप
एग्रीमेंट करेंगे किसान के साथ कि आप ये फसल उगाएंगे, ये नहीं उगाएंगे, कितनी लेंगे, वो भी किसान के हक में नहीं है। एग्रीमेंट में आप झगड़ा पड़ गया तो आप कहीं अपील नहीं कर सकते, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, किसी थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं कर सकते, सो वो भी उसके हक में नहीं है। वो जो फार्म ट्रेड का है एंड ट्रेड एंड कॉमर्स कानून है, तो वो भी वणज और व्यापार का है। वो बोल रहे हैं उससे APMC ख़त्म हो जाएगी कि प्राइवेट आदमी जहाँ मर्जी मंडी लगाकर अपना माल खरीदे, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। तो जो APMC होती है, जो मार्केट कमेटी है, उससे क्या है कि जो फीस आती है वो किसान के लिए, जितनी भी रोड का डेवलपमेंट करनी है, उसके गाँव की सड़कें बनानी है, वो सारी वो मार्केट कमेटी बनाती है। तो सारे देश को उसका बड़ा, हर राज्य को उसका बड़ा फ़ायदा होता है। और वो भी APMC भी ख़त्म हो जाएगी। MSP तो है ही नहीं, वो जितने मर्जी भाव में खरीदेगा, जहाँ से मर्जी खरीदेगा, वो भी किसान के हक में नहीं है। एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट जो जितना मर्जी माल खरीद के आप स्टोर कर लो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, उससे सारे देश को बहुत महंगाई बढ़ेगी इसके साथ। तो ये तीनों जो कानून है ये देश के हक में नहीं है, किसान के हक में नहीं है। सरकार से उम्मीद लगाई जा सकती है कि जिस तरीके से आप लोग भी आए हैं, ये केंद्र सरकार की उम्मीद नहीं है, ये संविधान कहता है कि आप कानून बनाओ, बहुमत से बनाओ, किसी को ठीक नहीं लगता तो आप उसको उसका संघर्ष कर सकते हो, आप उसके अंगेंस्ट आवाज़ शांतमय तरीके से उठा सकते हो, और वो आवाज़ किसान ने उठाई है। आज वो संघर्ष जो है वो पूरी चरम सीमा पे है, वो कानून के रहते हुए ही बना हुआ है ये सब कुछ। तो हमें आस है कि सरकार इस संघर्ष को देखते हुए, वो कानूनी तौर पे संविधान ने उसको राइट दिया है, ये तीनों कानून वापस ले, संशोधन करना है तो किसान की मर्जी के साथ जो जथेबंदी कर रही है उसके जो कहते हैं वो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा सर, पूरा मामला आपकी नज़र में किस प्रकार का है? साहब देखिए, ये किसानों के संघर्ष में हमारे सांसद विधायक यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों के साथ हैं हम लोग। सरकार से हम एक ही बात करेंगे, अहंकार छोड़े, जिद छोड़े, अन्नदाता की बात को माने, अन्नदाता को मारने का काम ना करे। अडानी अंबानियों को आपने वैसी देश बहुत दे दिया, रेलवे दे दी, पेट्रोल पंप दे दिया, हवाई अड्डा दे दिया, अब भाई कम से कम किसान ही अडानी अंबानियों के हवाले ना करे। अंग्रेज़ों ने भी इतना जुल्म नहीं किया था, अंग्रेज भी सिर्फ लगान ही लगाते थे, चाहे फसल हो ना हो ज़बरदस्ती वसूलते थे, पर उन्होंने किसान ही ख़त्म करने की कभी नहीं सोची। ये सरकार अंग्रेज़ों से ऊपर जा रही है और हम तो इतनी बात कहेंगे, किसान की बात सरकार को माननी चाहिए। सर, जिस प्रकार से अभी लगातार बातचीत हुई है उस दौरान सरकार मानने के मूड में नहीं है, ऐसे में अब क्या होगा? भाई साहब देखिए, लोकतंत्र है, आदमी संघर्ष कर सकता है। 4 साल बाद ये कोई राजतंत्र तो है नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा। जब मोदी जी जैसा आम आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये तो जनता है, आप और हम मिलकर चाहेंगे कुछ भी फैसला लेंगे। किसान जब अपनी पे आ जाएगा किसी से रुकेगा नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ एडवांस में आपको। सर, MSP को लेकर के सरकार क्यों मानने के लिए ये अडानी अंबानियों के लिए काम कर रही है, इसलिए इनको तकलीफ है MSP को लेकर। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के ये नया लेकर के जाएं, ये इसको साहब इनका तो बस नहीं चल रहा है, किसानों को जहर दे दें ये। ठीक है सर।